इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। वीकेंड लॉकडाउन का दूसरा दिन भी चहल पहल वाला ही रहा। महज दुकानों को बंद करने के पीछे इंतजामिया का क्या मकसद था, ऐसा सवाल भी किया जा रहा है। ताजिर, कारोबारी और सड़क पर ठेला लगाने वालों को रोकने से क्या कोरोना के नाम पर इस तरह बंद करना मुनासिब था क्या, ऐसी चर्चा भी शहर में जारी रही। आवाम में खासी नाराजगी देखी गई। दोपहर तक तो कुछ जगहों पर कारोबार शुरू रहे, लेकिन इस वीकेंड लॉकडाउन को लेकर सवाल यही पूछा जा रहा था कि जब 1% से भी कम मरीजों की तादाद होने के बावजूद इस तरह का फैसला मुनासिब नहीं था। आज भी कई सड़कों पर बैरिकेड्स के जरिए रास्तों को बंद किया गया था। आज वैसे भी इतवार होने की वजह से बाजार बंद ही रहे, सवाल फिर भी बरकरार रहा कि आखिर इस तरह के लॉकडाउन की वजह क्या। अगर महाराष्ट्र केरल में भी मरीज बढ़ रहे हैं तो सरहदों को बंद किया जाए, बाजार को बंद रखना दुरुस्त नहीं, ऐसा भी कहा गया। इसके बावजूद भी अगले हफ्ते फिर वीकेंड लॉकडाउन की बात कही जा रही। आखिर रियासती वजीर काबिना में बेलगाम जिले से शशिकला जोड़े को चैरिटी हज और वक्फ बोर्ड का ओहदा दिया गया। यह पहली मर्तबा हुआ कि किसी एक खातून को हज और वक्फ बोर्ड का ओहदा दिया गया। वही उमेश कत्ती को फूड एंड सिविल सप्लाई बहाल किया गया। शशिकला जोड़े को इससे पहले वुमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर दिया गया था। शशिकला जोड़े पर अंडों के गबन का इल्जाम भी लगाया गया है, जिसकी वजह से ओहदे को तब्दील कर दिया गया। खैर, कर्नाटक वजराओं के ओहदे की तकसीम पर नाराज लीडरों ने जारकीवाड़ी के घर पर मीटिंग तलब फरमाई गई। पहली मर्तबा जारकीवाड़ी खानदान से किसी को भी वजारत बहाल नहीं की गई। इस बार नाराज कैदों को इस तरह जारकीवाड़ी के घर पर बैठना इसलिए भी अहमियत रखता है क्योंकि जिन लोगों ने भाजपा को इख्तदार तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस या जेडीएस हुकूमत को गिराकर या फिर हुकूमत को गिराकर भाजपा में शरीक हुए और कांग्रेस जेडीएस हुकूमत को गिरा गया था, जिसमें पेश रहने वाले तीनों कैद अब बाहर नजर आ रहे हैं। रमेश जारकीवाड़ी पर सीढ़ी मामले की वजह से वजारत छीन ली गई, लिहाजा इसकी जगह पर भालचंद्र जारकीवाड़ी पर वजारत का मुतालबा किया गया था, जिसे नजरअंदाज कर भालचंद्र जारकीवाड़ी को भी बाहर रखा गया। श्रीमत पाटिल, महेश कुमटल्ली दोनों ने भी रमेश जारकीवाड़ी के कहने पर इस्तीफा देकर भाजपा की हुकूमत बनाने में अहम किरदार अदा किया था। अब ये दोनों भी वजारत से बाहर है। एमपी रेणुकाचार्य और भालचंद्र जारकीवाड़ी की क्यादत में नाराज उम्मीदवारों ने सरों को जोड़ना शुरू किया। वही बेल्लद यतनाल योगेश्वर भी नाराज है। अब देखना यह है कि क्या यह नाराजगी हुकूमत को महंगी पड़ती है, फिर इन्हें किसी तरह बहला फुसला कर मामले को सुलझाया जाता है। अगर नाराजगी शिद्दत इख्तियार करती है तो कांग्रेस के लिए नए रास्ते जरूर खुल सकते हैं, ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है। आज बेलगाम चिक्कोड़ी व बोर्ड कमेटी की जानिब से मुंतखब वजीर बराए औकाफ हज मोहतरमा शशिकला जोड़े से मुलाकात कर मुबारकबाद पेश की गई। इस वक्त एमपी अन्ना साहब जोड़े, वफ अफसर बेलगाम शब्बीर जमादार, अब्दुल गफूर घी वाले बेलगाम वफ एडवाइजरी कमेटी चेयरमैन साबिर जमादार, वफ अफसर चिक्कोड़ी जावेद लट्टे, वफ इंस्पेक्टर इनायत पठान, अनवर दड्डी वाले मौजूद रहे। आज कोरोना मरीजों की तादाद 25 रही तो डिस्चार्ज मरीज 26 रहे। एक की कोरोना से मौत दर्ज की गई है। कुल 22 गाड़ियों को आज सीज किया गया तो 265 लोगों पर बिना मास्क का जुर्माना लगाया गया। एपीएमसी में कोरोना गाइडलाइन की मुखालिफत के मद्देनजर 3 दुकानों को सीज किया गया। आज का अहम मौजू खास तौर पर अगर मीडिया पर तवज्जो दी जाए तो मीडिया की क्या कैफियत है मौजूदा इन हुकूमतों में, उस पर नजर डालते हैं। सभी तरफ ओलंपिक में नीरज चोपड़ा की जीत पर चर्चा जारी है, पर अहम बात की तरफ कुछ लोग जानबूझकर नजरअंदाज करना चाहते हैं और वह है नीरज चोपड़ा का कोच नसीम अहमद, यानी नीरज चोपड़ा को इसकी पहचान बनाने में जिसका हाथ है वो नसीम अहमद है। लिहाजा मीडिया हो या सोशल मीडिया पर अपनी अपनी अकल दौड़ा कर कोई मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहा है तो कोई इसे खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने की वजह से भारत को गोल्ड हासिल होने की बात कही जा रही है, और तमाम के पीछे हमेशा की तरह मीडिया भी अपना रोल अपना किरदार निभा रही है, और खासकर भाजपा या संघीय आईटी सेल तो बैठा ही है इसी काम के लिए। किसी तरह का मौका मिल जाए तो आवाम के जहन को किस दिशा में भटकाना है। खैर, नसीम अहमद ने बताया कि नीरज चोपड़ा बहुत ही अजीजी के साथ पेश आता है और आज भी इतना बड़ा एथलीट होने के बाद भी कभी कोच के सामने कुर्सी पर नहीं बैठता, इनकी बैठने की जरूरत नहीं करता। नसीम अहमद ने अभी बताया कि पहले वो वेजिटेरियन हुआ करता था, पर खेल के मैदान में नाम कमाने के लिए नीरज चोपड़ा ने गोश्त खाना भी शुरू किया, यानी कि नॉन वेज बन गया। सभी जानते हैं कि जिस तरह कामयाबी या शिकस्त के लिए जितना खिलाड़ी जिम्मेदार रहता है उतना ही खिलाड़ी का कोच भी रहता है।
लिहाजा 2011 से 2016 तक नसीम अहमद ने नीरज चोपड़ा की तरबियत फरमाई। यह इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि नीरज चोपड़ा की कामयाबी का सहरा कुछ ने तो मोदी के सर ही बांध दिया है, किसी ने और के सर। लिहाजा यह भी लोगों को मालूम होना चाहिए कि नसीम अहमद वो शख्स है जिसने इस हीरे को तराशा। यह और बात है कि इस पर किसी मीडिया में चर्चा नहीं होगी क्योंकि मीडिया सीधे तौर पर बिक चुका है। जो भी हो, नीरज चोपड़ा की इस कामयाबी पर इत्तेहाद न्यूज की जानिब से मुबारकबाद। खैर, आज जिस मौजू पर हमें गुफ्तगू करनी है कि भारत में मीडिया का गला घोंटा जा रहा है, खासकर जब से मोदी हुकूमत इख्तदार पजीर हुई है, सहाफियों पर, न्यूज चैनल्स और उन अखबारों पर किस हद तक हिरासा किया जा रहा है जिन्होंने हुकूमत की गलत पॉलिसियों की मुखालफत की। यह बात भी उतनी ही सच है कि मोदी हुकूमत या फिर भाजपा संघी विचारधाराओं पर इसका कुछ भी असर नहीं पड़ता। अब तो लोगों का अदालत के फैसलों पर से भी भरोसा उठना शुरू हो गया। मतलब मनमानी कारोबार, अगर आपको नहीं मानना है ना मानो, हम तो यही फैसला लेंगे कि एजेंडे पर भाजपा मोदी सरकार गामजद है। तभी तो कितनी भी मुखालफत किसी भी बिल को लेकर हो जाए, उस बिल को मंजूर ही कर दिया जाता है, भले देश के हक में वो फायदेमंद हो या नुकसानदेह। जैसे किसानों के काले कानूनों की मंजूरी और मंजूरी के बाद हुकूमत का जिद पर अड़ जाना, इसे किसी की फिक्र नहीं। अब कुछ तर्कों की बुनियाद पर देखते हैं कि भारत का चौथा सुतून कहलाने वाली मीडिया गोदी मीडिया में कैसे तब्दील हो गई। एक साल के दौरान उन साफियों पर पत्रकारों की तादाद को देखे जिन पर हमले हुए, तो एक जायजा हो जाए कि हमारे देश में मीडिया को कितनी आजादी मिली है। 2020 में मोदी शासन यानी कि मोदी इख्तदार के दौरान भारत का इस मामले में रिकॉर्ड चौंकाने वाला है। चलिए दलील खुद ही क्या कहते हैं, क्योंकि दलील खुद गवाही देते हैं। 226 साहबी जिनमें से 12 खातून साहबी और साथ ही 2 मीडिया घराने पिछले साल हमलों के शिकार बने। ये हमले मुख्तलिफ किस्म के थे, मसलन कत्ल, जिस्मानी हमला और कानून का गलत इस्तेमाल कर हिरासा करना। इन साफियों का एक ही जुर्म था कि वो एक बीमार माशरे उसको चलाने वालों यानी इख्तदार पजीर हुकूमत को आईना दिखा रहे थे। देश भर से आंकड़ों को देखें तो 13 साहफियों का कत्ल किया गया, 137 साहफियों को या तो फर्जी इल्जामों के तहत गिरफ्तार किया गया या फिर गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया। 101 साहफियों पर जिस्मानी हमले हुए या इन्हें ऑनलाइन ऐसा करने की धमकियां दी गई। कुल मिलाकर यह साफ है कि हमारे लोकतंत्र के ने जमहूरी मुल्क रियासतों में कानूनी ब्लैकमेल के हुनर में महारत हासिल कर लिया। रियासतों के जरिए साफियों के खिलाफ 64 तर्जियां दर्ज की गई ताकि उन्हें सच लिखने से रोका जा सके, खुसूसन ऐसा सच जो सत्ताधारियों को नागवार गुजारता। पत्रकारों यानी साफियों को नोटिस जारी की गई और उन्हें पूछताछ के लिए समन भी दिया गया। कुछ को तो बिना किसी औपचारिक नोटिस के पूछताछ के लिए बुलाया गया और बुलाया जाता रहा है, जिसमें हम भी हैं। यह बातें दिल से नहीं कही जा रही बल्कि इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट के चुनिंदा सुर्खियां हैं, जिसे एक अहम एनजीओ राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने शाया किया। यह ग्रुप जो आवाम के हकूक में अपने शोबे में खिदमत अंजाम देता रहता है, सालाना रिपोर्ट शाया करता है। इस बार की रिपोर्ट में भारत के साफियों पर हुए हमलों के बारे में काफी मेहनत से दलाइल इकट्ठा किए गए और उनके तफसीलात भी पेश किए गए। योगी राज में उत्तर प्रदेश में साफियों के हमलों में अव्वल नंबर है, जिसकी बड़ी तारीफ वजीर आजम मोदी और अमित शाह करते रहते हैं। साफियों पर हमलों के मामले में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है, क्योंकि 37 ऐसे केस मुकदमे सामने आए हैं जिनमें साफियों पर हमले हुए हैं। बतौर साहबी यूपी में काम करना इंसर्जेंसी वाले जम्मू कश्मीर में काम करने से भी ज्यादा खतरनाक है। मरकजी हुकूमत के नाक के नीचे यानी राष्ट्रीय राजधानी यानी कौमी दारुल हुकूमत में 15 हमले हुए हैं। अब यह बगदाद, काबुल और इस्लामाबाद के बाद साफियों के काम करने के लिए सबसे खतरनाक कैपिटल सिटी कहा जाता है। इसके बाद आता है हमारा अपना कर्नाटक, जहां भाजपा हुकूमत इख्तदार पजीर है। कर्नाटक का नंबर इन दो रियासतों के बाद आता है। यहां 12 हमले हुए जबकि बंगाल में 10 हमले हुए। तो हम देख सकते हैं कि सत्ता की कमान किसी भी दल के हाथ में हो, कोई भी साफियों के तहफ्फुज का यकीन दिया ही नहीं कर पाता, न ही मीडिया की आजादी की गारंटी कर पा रहा है। तथाकथित लोकतांत्रिक और संवैधानिक यानी जमहूरी भारतीय रियासतों ने दिगर उसूलों के जरिए नॉन स्टेट एक्टर्स ऐसे हमले करवाए। मिसाल के तौर पर किराए के गुंडों का इस्तेमाल भी किया जाता है। और यह तमाम बातें इसलिए बताना जरूरी समझ रहा हूं क्योंकि कोई भी मीडिया चलाना कितना मुश्किल है, खासकर अकलियती माशरे के हक में लिखना बोलना और उस माशरे से भी किसी तरह की ताउन की तवक्को या उम्मीद करना
फिजूल है। अक्सर कहा जाता है कि मुस्लिम समाज के हक में बोलने वाला मीडिया नहीं है, पर नया कोई मीडिया की कैफियत को जानने की कोशिश करता है। एक तरफ समाज का सपोर्ट नहीं, दूसरी तरफ इख्तदार पजीर हुकूमतें किसी ना किसी तरह दबाव बनाने की कोशिश करती रहती है, तीसरी तरफ कोई सरकारी इमदाद हासिल नहीं होती। इश्तहारात के जरिए मीडिया को मौकम बनाने का जर्रा बराबर भी एहसास आवाम में नहीं होता। आखिर बताए तो सही कि कैसे मीडिया इतनी तमाम मुश्किलात के बावजूद अपने उसूलों पर चलकर चलाया जा सकता है। इंडिया प्रेस फ्रीडम में 2020 में जो हमले हुए हैं सहाफत की आजादी से हटकर और भी है, और सीधे इशारा रहता है कि या तो बिक जाओ वरना हमले के लिए तैयार रहो। लेकिन उन मीडिया वालों को वाकई सलाम, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ मीडिया हाउस आज भी है जो मोदी हुकूमत के सामने झुकने को तैयार नहीं। अखबारों और न्यूज चैनलों पर इस तरह दबाव बनाया जाता है कि अगर इश्तहारात चाहिए तो इख्तदार पजीर हुकूमतों की वाहवाही लिखी जाए या चैनलों पर इनके हक में प्रोग्राम चलाए जाए, एडिटोरियल में तारीफ लिखी जाए, वरना इश्तहारात बंद किए जाते हैं और EDIT की रेड कराई जाती है। महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी, मरने वालों की तादाद और नदियों के किनारे पड़ी लाशें या फिर राज्यों को वैक्सीन की सप्लाई में कमी को रिपोर्ट करने वालों को डर फैलाने के इल्जाम में 1897 की दफा महामारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। यह भी धमकी दी गई कि वैक्सीन से होने वाली मौतों की रिपोर्टिंग करोगे तो मारे जाओगे। मैं सच्चाई बताने की कोशिश करने पर दहशतगर्दी की दफाएं लगाकर गिरफ्तार किया जाता है, पर मौजूदा दौर के मोदी शासन में एक मुतजाद सच्चाई की ओर इशारा करता है। यह साफ करता है कि तानाशाह हुक्मरानों के आईनी के तहत वह कानूनी शासन यानी कि कानूनी गैर कानूनी में तब्दील होता जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बहुत ही कमजोर सहारे पर खड़ा है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मौजूदा हुकूमतें सहाफियों के मुंह बंद कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ हर एक दो महीने में एक सहाफी के कत्ल या हमले का मामला पेश आता है। किसी यूरोपियन देश में ऐसे हालात होते तो वजीर को बख्शा नहीं जाता, पर यहाँ तो RSS और भाजपा कैदों के खिलाफ कुछ कहना वो देशद्रोह बन चुका है। पेगासस मामले से यह भी पता चला है कि सियासी लीडरों के अलावा पत्रकारों की भी जासूसी और सर्विलेंस किया जा रहा है, और इसको करने के लिए इजरायली स्पाईवेयर की मदद ली गई है। यह भी मीडिया पर हमले का एक नमूना है। शुरू में ही रिपोर्ट में एक डिस्क्लेमर के जरिए कहा गया था कि रिपोर्ट अंग्रेजी मीडिया में शाया मामलों की बुनियाद पर तैयार की गई थी और ईमानदारी से कबूल भी करती है। वह वर्नाकुलर यानी मादरी जबान वाली मीडिया में छपे सहाफियों पर हमलों के मामलों को जोड़ नहीं सका। अगर इसे भी रिपोर्ट में जोड़ दिया जाता तो भारत में मीडिया की आजादी पर हमलों की गहराई और भी संजीदा तस्वीर सामने आ जाती। इस महदूद डॉक्यूमेंटेशन ने भी इस देश में इजहार राय की आजादी के मुद्दे को उठाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। इसी सच्चाई को सामने रखना जरूरी था, जिसे लेकर अकलियती समाज आज भी मीडिया की अहमियत से कोसों दूर है, जिसकी कीमत चुका रहा है और आगे भी चुकाता रहेगा। इतिहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह।